हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बेस्ट स्टॉक चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, किसी भी फील्ड में जब हम जाते हैं और वहां से पैसा कमाने की सोचते हैं तो उसकी नॉलेज होना हमें बहुत ही जरूरी होता है। जैसे एक डॉक्टर है, वो पहले BMS, MBBS बहुत सारी पढ़ाई करता है, 5 साल 10 साल उसमें देता है, फिर इसके बाद वो अपना प्रोफेशन शुरू करता है, फिर वो पैसा कमाता है। टीचर है, वो पहले BA, MA, BEd, MEd करके परीक्षा देता है, पास होता है, तब जाके वो पैसा कमाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ लोग क्या सोचते हैं, बस अकाउंट ओपन किया डीमैट और 2 4 दिन में पैसे कमाना शुरू किया, अब थोड़ा सा घाटा हुआ, चलो बाहर निकले। ऐसा कुछ नहीं है। जिस विषय में हम जानते नहीं है वहां से हम पैसा नहीं कमा सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां से हम पैसा कमाना चाह रहे हैं उस विषय का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो फिर वहां हमारे डूबने के चांस हैं। तो दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं, ये हमें जरूर मालूम होनी चाहिए और मालूम होने के साथ साथ उसको फॉलो भी करना है। जैसे हमारे दिमाग में प्रश्न आता है, जैसे कि जरूर सबके दिमाग में प्रश्न आएगा कि जब हम कहीं जा रहे हैं तो वो चीज है क्या, जैसे शेयर मार्केट है क्या, क्या है ये। तो बहुत से लोग अपनी अपनी परिभाषा देते हैं, लेकिन मेरे मानने में यह एक बाजार है जहां पर शेयर का लेन देन होता है, मतलब हम लोग शेयर बेचते हैं और खरीदते हैं। अच्छा, अब इसमें मुख्य कारक कौन होता है, कौन इस काम को कराता है, तो उसको कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज बोले तो इंडिया में हमारे में BSE और NSE, BSE और NSE, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक्सचेंज में जो कि भारत में शेयर का बिक्री का या फिर खरीदारी का मूल कारक है, जहां पर दोनों प्रकार के मतलब खरीदार भी और विक्रेता मिलते हैं। अब बात आ जाती है कि भाई शेयर क्या होता है। चलो, शेयर मार्केट में क्या होता है ये समझ में आ गया। अब बात आती है कि शेयर क्या होता है। तो शेयर माने, देख आप जनरली सोचिए, शेयर माने होता है हिस्सा, मुझे मेरा शेयर दो है, शेयर माने हिस्सा, भागीदारी। तो कोई भी कंपनी है और उस कंपनी को तो हम खरीद नहीं सकते, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट मान लो या थोड़ा बहुत उसका हिस्सा खरीद सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है और वो कंपनी मान लो अपना बिजनेस कर रही है और उस बिजनेस को वो भागों में तोड़ना चाहती है, मतलब वो पब्लिक से पैसा कलेक्शन करना चाहती है। तो वो अपने जो कंपनी की प्रॉफिट है, जो कंपनी की पूंजी है, उसको कई हिस्सों में तोड़ देगी और फिर उसको धीरे 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 करके पब्लिक में बेचेगी, तो उससे उसका पैसा लेगी। तो इससे वो करती क्यों है, अपनी कंपनी को मजबूत करने के लिए, पब्लिक से पैसा लेने के लिए हर एक कंपनी अपनी कंपनी को कुछ भागों में तोड़ती है, उसे पब्लिक में बेचती है, उसे पैसा कलेक्ट करती है और अपनी ग्रोथ बढ़ाती है। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार, कल मिलते हैं।